वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं हमारी अनप्लैंड टू व्हीलर में की गई तफरी और कुछ लेसर नोन और लेसर विजिटेड प्लेसेस ऑफ नैनीताल। गुड मॉर्निंग, आज हमारा सेकंड डे है नैनीताल में। हम ब्रेकफास्ट करते हुए डिसाइड करने वाले हैं कि हम एग्जैक्टली कहाँ जाने वाले हैं। अगर आप जल्दी रेडी होके बाहर निकलना चाहते हैं चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए तो ये पॉसिबल कभी कभी इसलिए भी नहीं हो पाता क्योंकि आप 10-10 12-12 लोगों के साथ एक रूम में हैं और उसके पीछे केवल एक वॉशरूम है जहाँ पे आपको चाल की तरह लाइन लगाना पड़ता है। यहाँ तक अगर आप ब्रश भी करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से कोई वॉश बेसिन नहीं दिया गया है। तो चाहे आपको फ्रेश होना हो, आपको नहाना हो, आपको फेस वॉश करना हो या आपको ब्रश करना हो, इन सब के लिए आपको एक सिंगल वॉशरूम की ही डिपेंडेंसी होती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से मैं गोस्ट ऑफ्स में कभी दोबारा नहीं आना चाहूंगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं वो क्या क्या चीजें हैं तो देखते रहिए हमारे एपिसोड को। थ्रू आउट द जर्नी मैं आपको ये सारी चीजें शेयर करता रहूंगा ताकि आप भी इस खराब एक्सपीरियंस से बच सके। फ्रेंड्स, अभी हम लोग सरस्वती रेस्टोरेंट आए हुए हैं। यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए हमको सजेस्ट किया हुआ था, तो चलिए चल के देखते हैं क्या यहाँ का स्पेशल। फ्रेंड्स, हम लोग सरस्वती रेस्टोरेंट से एक डिसेंट सा ब्रेकफास्ट करके निकल गए। बहुत सच स्पेशल नहीं था वहाँ पे कुछ दिखाने के लिए, इसलिए हमने वो कवर नहीं किया है प्रॉपर। अभी हम जा रहे हैं पंगोट और वहाँ पे कुछ सीनिक व्यू को कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। गोस्ट ऑफ्स में एक जो अच्छी चीज हुई हमारे साथ वो ये कि हमारे पुराने कॉलिग चंद्रमोहन सर हमें यहाँ पे मिल गए और हम लोगों ने साथ मिलकर यहाँ की चीजों को एक्सप्लोर करना प्लान किया। लेकिन वेट, उन्हें केवल एक दिन की बुकिंग मिली थी यहाँ पे और जब उन्होंने एक्सटेंड किया तो एक्स्ट्रा चार्जेस देकर उन्होंने यहाँ पे अपना बेड बुक कर लिया। अब 3 से हमारा सर्कल 4 लोगों का हो चुका था और हमने रिक्वेस्ट करी कि जो हमारे फ्रेंड हैं उनको हमारे साथ शिफ्ट कर दिया जाए क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो बेड है वो उनके पे किए हुए चार्जेस से कम का था। इसके बाद भी गोस्ट ऑफ्स वाले इतने ज्यादा रिजिड हैं कि उन्होंने मना कर दिया। सीएम सर एक दिन की बुकिंग के बाद उन्होंने चेकआउट कर लिया था, फिर हमारी वजह से उन्हें दोबारा रूम को बुक करना था। और यहाँ की सर्विस इतनी पथेटिक, इतनी वाहियात है कि जब उन्होंने चेकआउट किया उसके बाद वहाँ का इंटरनेट एक्सेस करना चाहा तो उन्होंने वाईफाई देने से मना कर दिया, जबकि थोड़ी देर बाद वो फिर से रीबुक करने वाले थे अपने बेड को। सीनिक व्यू खत्म ही नहीं हो रहा है जब से हम चले। यहाँ पे कुछ डिफरेंट सा पैटर्न हमें नजर आया, घास सॉर्ट ऑफ, तो यहाँ पे हम रुक गए हैं। आई गेस बरसात के टाइम में यहाँ पे वाटरफॉल सा बन जाता होगा। और सबसे अच्छी बात है एकदम शांत है, यहाँ पे कोई नहीं है, इसलिए और मजा आ रहा है। लोकलाइट ने, जिन भैया ने हमें स्कूटर दी है रेंट पे, उन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि पहाड़ी होने के बाद भी उन्हें इन पर्टिकुलर एरियाज में जाना, यहाँ पे ट्रेवल करना बहुत अच्छा लगता है। तो उनके सजेशन पे हम यहाँ पे आ गए और अभी पनगोट 4 किलोमीटर बस दूर है यहाँ से। चलिए देखते हैं क्या है वहाँ पे देखने लायक। आज की हमारी चीजें बिल्कुल भी अनप्लान्ड है और हम बस तफरी करने के मूड से बाइक लेके निकल पड़े हैं यहाँ के हसीन नजारों को देखते हुए। रास्ते में जैसे हम पनगोट के लिए निकलते हैं यहाँ राइट साइड पे हमें नैना देवी जलकुंड नजर आता है, जो कि दिखने में तो अच्छा था लेकिन थोड़ा आर्टिफिशियल था तो हमें उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा। सो हम यहाँ पे रुक के थोड़ा सा फोटो सेशन करके यहाँ से आगे निकल जाते हैं। फ्रेंड्स, पहले दिन रात को जब हम घूम फिर के अपने हॉस्टल गोस्ट ऑफ में वापस आते हैं और देखते हैं यहाँ पे जो आरओ वाटर का जो डिस्पेंसर लगा हुआ था वो खाली था लगभग, और एक्स्ट्रा पानी के लिए जब हमने रिक्वेस्ट करी तो यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी। सो फ्रेंड्स, हम अभी भी ऑन द वे हैं पनगोट के लिए, या पनगोट जो भी उसका नाम है, मुझे एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन उसका नहीं पता क्योंकि शायद थोड़ा सा डिफरेंट प्रोनाउंसिएट करते हैं उसको। बट ऑन द वे जैसे ही हम आगे बढ़े और थोड़ा सा नीचे उतर रहे हैं तो धीरे धीरे यह थोड़ा क्लाउडी होता जा रहा है, फॉगी होता जा रहा है। और आप ऊपर देख सकते हैं कि थोड़ी ही देर में कितना सारा क्लाउड आ गया है। हमारे साथ में हमारे कॉलिग भी हैं सीएम सर, जो कि जर्नलिस्ट हैं, हम साथ साथ में ट्रेवल कर रहे हैं। तो सीएम सर, क्या है आपका एक्सपीरियंस यहाँ का? एक्सपीरियंस के मामले में बस यही कह सकता हूँ कि यहाँ का जो एक्सपीरियंस है
ये बताया नहीं जा सकता, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ यहाँ फील किया जा सकता है। और ये जो क्लाउड्स आप देख रहे हैं, मुझे लगता है आप दिखा पाएंगे, लेकिन कैप्चर हम कितने भी करने की कोशिश कर लें, कैमरे में ये जो एक्चुअल फील है इस क्लाउड का वो कैप्चर नहीं किया जा सकता। ये जो फीलिंग है सिर्फ यहाँ मिलेगी। सही है। और गाइज ये नीचे नदी बह रही है, यहाँ पे जाने का रास्ता तो हमें नज़र नहीं आ रहा है। अगर थोड़ा सा भी हमें प्रॉपर रास्ता नज़र आ गया तो हम डेफिनेटली वहाँ पे जाना चाहेंगे। तो हम लोग पनगोट पहुँच गए हैं। ये यहाँ के होटेल्स हैं, लॉजेस हैं। इसके बाद पनगोट के रास्ते में लेफ्ट साइड पे हमें एक छोटी सी पगडंडी नजर आती है, जहाँ हमें थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है, तो हम अपना गाड़ी रोक के वहाँ ट्रैकिंग के लिए चले जाते हैं। फ्रेंड्स अभी एक जगह पे हम लोग रुक गए हैं और यहाँ से ऊपर एक पगडंडी सी जाती हुई नजर आ रही है। सो हम चाह रहे थे कि एक बार ऊपर जाके देखें कि क्या है जंगलों के बीच में। दोस्तों हम नैनीताल में हैं और नैनीताल से हम पनगोट की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो पनगोट से लगभग 1 किलोमीटर और आगे हम जंगल की तरफ हैं। और जंगल में जब हम आए तो देख सकते हैं कि आमतौर पे बांस के पेड़ तो दिखते हैं, लेकिन बांस को इस तरह से इतनी पौधे की तरह देखना एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है। दूसरा, कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे ये एक पत्तियों वाला एक कोई पौधा दिखा, आमतौर पर ये हमको शहरों में देखने को नहीं मिलता। और अगर दिख भी जाए, जैसे ये पेड़ है, हम काफ़ी महंगे में इनको अपने घरों के लिए शोपीस के तौर पर खरीदते हैं। फ्रेंड्स आज जो हम निकले हुए हैं बिल्कुल अनप्लान्ड सा है, और कभी कभी बहुत मज़ा आता है कि आपने कहीं घूमने का प्लान नहीं किया है, कुछ यूजुअल जगहों को छोड़कर आप अनयूजुअल जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं, और आपको पता नहीं कि कैसी कैसी चीज़ें मिलने वाली हैं, क्या सरप्राइज़ मिलने वाला है, क्या शॉक मिलने वाला है, कितना टफ और कितना देखिए हम लोग मेसमराइजिंग सफर होने वाला है। होते हुए गुजर रहे हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है यहाँ का। वाओ गाइस, सो गाइस हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? उम्दा, अलहदा, लाजवाब, बेहतरीन, बेहद खूबसूरत। वाओ ये देखिए, हमें पता नहीं था ऐसा यहाँ पे कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा। और ओहो लग रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पॉन्ड जैसा बना हुआ है, और ये आई थिंक जानवरों के लिए ही होगा ऐसा हमें लग रहा है, वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस। तो इन्हीं सारी सस्पेंस और एक्साइटमेंट को लेकर हम निकल पड़ते हैं आज के सफर के लिए। हमें पता नहीं क्या क्या चीजें मिलने वाली है, सो बने रहिए हमारे साथ, साथ में देखते हैं कि क्या क्या एक्सपीरियंस हमें मिलता है थ्रू आउट द जर्नी। यहाँ से हम अब वापस जाने वाले हैं, घना सा जंगल है और यहाँ से ये पहाड़ों से शायद नीचे उतर रहे हैं, तो हम नीचे नहीं उतरने वाले, हम वापस जाने वाले अपने पार्किंग में और वहाँ से राइड करेंगे, देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या व्यू मिलता है, नहीं तो हम वापस बैक टू पनगोट चले जाएंगे और वहाँ से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। अंदर काफ़ी सुनसान है, बहुत बहुत ज़्यादा सन्नाटा है, कीड़े मकड़ों की आवाज़ सुनाई दे रही है, और अंदर का व्यू देखिए, पेड़ गिरा हुआ है यहाँ पे। यहाँ से हम होते हुए ऊपर आए थे, अभी हम वापस जा रहे हैं यहाँ से। ऐसा हमने फिल्मों में ही पहले देखा था, बट पर्सनली एक्सपीरियंस करने का मौका आज मिल रहा है। यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर बर्ड व्यू रिजॉर्ट वाला एक पॉइंट है, वहाँ पे हम जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये एक जगह है जहाँ का एग्जैक्ट नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ से बर्ड व्यू रिजॉर्ट काफी पास में है। अभी फिलहाल तो हम बर्ड व्यू रिजॉर्ट नहीं जाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मौसम कितना क्लाउडी हो चुका है, बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हम थोड़ी देर रुके, थोड़ा फोटो सेशन किया, थोड़ी रील्स बनाई, और
हमारा चाय पीने का प्लान था, लेकिन इस बार चाय सीएम सर ही बनाना चाह रहे थे, तो यहाँ की एक टपरी में सीएम सर ने रिक्वेस्ट करी और उन्होंने अलाउ कर दिया। तो मीडिया में ज्यादा पैसे था कि चाय में? सर मुझे लग रहा है मैं चाय में ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ और इज्जत भी सकता है और इज्जत भी चाय बेच के नहीं पता क्या क्या कर सकते हैं। वाओ यार, ये सीरियसली बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है मुझे देखने में। हमारे सीएम सर बना के लेके आए हैं चाय हमारे लिए, स्पेशली वो होटल वाले से रिक्वेस्ट करके, क्योंकि यहाँ की चाय हमें बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रही थी। सीएम सर के साथ उनके हाथ से, हाँ उनके हाथ की बनी हुई चाय हम लोग पीने वाले। ठीक ठाक है चाय? ठीक ठाक है। ओके, ज्यादा अच्छी नहीं है? नहीं अच्छी है, बट एकदम ऑसम नहीं है, पर ठीक है। पहाड़ों में चाय का मजा खुद के हाथ से बनी हुई चाय। और सीएम सर के हाथ का चाय पीते हुए हम यहाँ गप्पे मारने में लग गए। यहाँ की चीजें कंप्लीट करने के बाद हम वापस चले जाने वाले हैं पनगोट। पनगोट पहुंचने के बाद हमें ये पता चला कि यहाँ पास में ही एक वाटरफॉल है जो कि बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सीनिक है। हम जैसे ही रिटर्न में पनगोट पहुंचते हैं, राइट साइड में एक कच्चा सा रास्ता कटता है, वहां से हम नीचे जाते हैं और बहुत सारे यहाँ पे रिसॉर्ट्स हैं। और साथ ही लगभग 3 किलोमीटर आगे जाने के बाद 2 किलोमीटर पहाड़ी को ट्रैक करके हम नीचे उतरते हैं, वहां से वाटरफॉल है, तो हम वो एक्सप्लोर करने के लिए जाने वाले हैं। फ्रेंड्स अभी हम लोग पनगोट से लेफ्ट की साइड पे एक वाटरफॉल है वहां जा रहे हैं। ऐसा यहां पे बहुत कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हमें। लोकल लाइट से हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि नीचे एक वाटरफॉल है और रिजॉर्ट भी है। तो वाटरफॉल को हमने पहले कंफर्म किया कि नेचुरल है कि नहीं, क्योंकि वुडलैंड वाटरफॉल का एक्सपीरियंस हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। सो चलिए देखते हैं कि यहाँ का वाटरफॉल कैसा है। फ्रेंड्स हम लोग पनगोट रिसॉर्ट पे हैं, जो पनगोट से लेफ्ट हम आते हैं तो हार्डली 400-500 मीटर की दूरी पे होगा। बहुत सुंदर यहाँ का कॉटेज बना हुआ है, बहुत अमेजिंग व्यू है और आप देख सकते हैं पीछे पूरा क्लाउड है। यहाँ से नीचे वाटरफॉल है, 3 किलोमीटर आपको कच्चे रास्ते से राइड करके जाना होगा और वहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर के आसपास बाई वॉक आप जा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा और बहुत डिसेंट स्टे मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब की वहाँ पे नैनीताल में टैरिफ चल रही है बहुत हाई फाई है, लेकिन अगर आप इस इंडिविजुअल कॉटेज को देखते हैं तो 3000 to 4500 के बीच में आपको ये मिल जाता है पीक सीजन में। ऑफ सीजन में शायद इसका टैरिफ और कम हो जाए, 4500 में इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर। सो बहुत ही अच्छी डील हो सकती है, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो डेफिनेटली ये मस्ट विजिट प्लेस है। आइए देखते हैं प्रॉपर्टी कैसी है। हम पनगोट के इस बहुत ही सुंदर रिजॉर्ट से निकल के अभी यहाँ के वाटरफॉल के लिए जा रहे हैं। ये रिजॉर्ट हमें बहुत ही पसंद आया, साथ ही इसका टैरिफ भी हमें बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल लगा, क्योंकि यहाँ पे मील वगैरह इंक्लूडेड है। तो फ्रेंड्स जब भी मैं किसी दूसरे रिजॉर्ट या होटल की अच्छाई देखता हूँ तो मुझे इमीडिएटली गो स्टॉप्स का खराब एक्सपीरियंस याद आ जाता है, जो मैं आपसे फिर से शेयर करने वाला हूँ। सवेरे आपको रेडी होने में लेट हो रहा हो और अगर आपके एडजेसेंट रूम में जहाँ पे कोई भी नहीं है वो पूरा खाली है, तो भी आप वहाँ के वॉशरूम को यूज नहीं कर सकते। ये इतने ज्यादा रिजिड है कि आप अपनी एक छोटी सी चीज को भी ये कंसिडर नहीं कर सकते। जबकि जहाँ हम जिस रूम में थे वहाँ पे 2 वॉशरूम था, 1 ऑपरेशन में नहीं था, तो इनकी सर्विस में अगर कुछ इश्यू आई तो उसके लिए हमें कंसिडर करना चाहिए। लेकिन अगर हमें कुछ डिलाइट करने के लिए, हमें सेटिस्फाई करने के लिए कुछ कर सकते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जो कि बहुत ही बेसिक सी हमारी रिक्वायरमेंट थी। इसके बाद सपोज आपका 11 बजे का चेकआउट का टाइम है और आपसे 11:05-10 ऊपर होता है, तो इनका बिहेवियर इतना पैथेटिक होता है कि अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं तो आप 2-4 किसी को लगा भी देंगे। सो फ्रेंड्स ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही पैथेटिक, बहुत ही वाहियात था। मैं कभी भी दोबारा इस हॉस्टल में नहीं आना चाहूंगा। 3 लोगों के लिए हमने पर डे 3000 रुपये स्पेंड किया यहाँ के स्टे के लिए। इसके बदले हम अगर 3000 किसी और होटल रिजॉर्ट में स्पेंड करते तो हमें बहुत अच्छा सर्विस, बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा सेपरेट रूम, सब कुछ बहुत अच्छा मिल जाता। तो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही घटिया था, जिसके बारे में जनरली जो सोशल मीडिया इंस्टाग्रामर इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो कभी डिस्कस नहीं करते, कभी बात नहीं करते। फ्रेंड्स अभी हम लोग पनगोट से और नीचे अंदर वाटरफॉल के लिए तो जा ही रहे हैं,
रास्ते में छोटे छोटे रिजॉर्ट हैं, छोटा सा गांव जैसा भी लगता है कहीं पे, और जो शायद गांव नहीं है ये, पर आप नीचे देख सकते हैं, नीचे भी बहुत सारे कुछ स्टेज बने हुए हैं, कॉटेजेस बने हुए हैं, हट्स बने हुए हैं। सो काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ जाने में। फ्रेंड्स, हम लोग वाटरफॉल के ट्रैकिंग पॉइंट पे आ गए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी व्हीकल पार्क कर दी है और यहाँ से हम लोग ट्रैक करते हुए वाटरफॉल तक जाने वाले हैं। चलिए देखते हैं वाटरफॉल तक 1.5 किलोमीटर ट्रैक करके जाना वर्थ है या नहीं। वाटरफॉल जाना काफ़ी ज़्यादा रिस्की था क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिपरीनेस आ गई थी। यहाँ रास्ते में आपको कुछ कॉटेजेस बने नज़र आते हैं जिनका यहाँ पे कोई पता ठिकाना नहीं था कि कौन यहाँ का केयरटेकर है। यहाँ से वाटरफॉल की आवाज़ शुरू हो चुकी है, नज़र तो नहीं आ रहा है अभी, लेकिन हमें काफ़ी नीचे जाना है अभी, देख सकते हैं। यहाँ ट्रैक करके नीचे जाना थोड़ा रिस्की है, और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप फर्स्ट हाफ में ही आ जाएं और शाम होने से पहले आप ऊपर चढ़ जाएं, क्योंकि यहाँ रास्ता बिल्कुल भी नजर नहीं आता। उतरते समय थोड़ा बैठ के, बहुत ही रिस्की है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये जड़ मुझे ठीक लग रहा है, इसको मैं पकड़ के ये उतर रहा हूँ। बैठ जाओ। नहीं, बैठने की जरूरत नहीं है, इसको पकड़ो। पेड़ों का सहारा लेके हम उतर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम लोग फाइनली वाटरफॉल के पास पहुँच चुके हैं और ये रहा। फ्रेंड्स, वाटरफॉल तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है तो यहाँ पे पानी काफ़ी कम है, लेकिन उसके बाद भी हमें ज़रा सा भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ का व्यू था वो बहुत ही नेचुरल, बहुत ही सीनिक और बहुत ही रॉ। और सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारे अलावा यहाँ पे कोई और नहीं था। यहाँ आना जितना मुश्किल था उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल था यहाँ से ट्रैक करके ऊपर चढ़ना, क्योंकि वापसी में हमारी वाट लग गई थी। फ्रेंड्स, हम लोग वाटरफॉल जाके वापस बैक टू पवेलियन होने वाले हैं। बहुत मुश्किल था ट्रैक, और क्योंकि लाइट भी धीरे धीरे कम हो रही है, तो फटाफट हम उसको जाके जो भी कैप्चर कर सकते थे वो किए। तब हम लोग ऊपर जाने वाले हैं, फटाक से ऊपर चढ़ते हैं, क्योंकि जैसे ही लाइट डाउन होगी यहाँ पे रास्ता समझना भी मुश्किल होगा, कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू का भी खतरा होता है। ऊपर से आपको ज्वाइन करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से निकलने के बाद मौसम बहुत ज्यादा फॉगी हो गया था। जिस रास्ते पे हम आए पहले जो क्लियर था, अब वहाँ पे पूरे रास्ते क्लाउड ही क्लाउड नजर आ रहा था। हम जल्दी से नैनीताल पहुंचने में लग गए। फ्रेंड्स, आज की जर्नी से एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि मंजिल से ज़्यादा सफ़र में मज़ा आता है, और जिस हिसाब से हमने यहाँ के माउंटेन रेंज को और यहाँ के क्लाउड्स को क्रॉस करते हुए वाटरफॉल तक पहुँचे, नए नए डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर किया, लेसर नोन प्लेसेस पे ट्रैकिंग करी, तो ये बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मेसमराइजिंग और बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस था। और नैनीताल पहुंच के अब हमारा प्लान है कि हम यहाँ के दूसरे फूड को एंजॉय करें। तो आज के डिनर के लिए हम पहुंच जाते हैं नेगी रेस्टोरेंट। तो चलिए देखते हैं कैसा यहाँ का खाना। हम अभी नेगी रेस्टोरेंट में, जो कि बड़ा बाजार में स्थित है मॉल रोड के पास में। हमने यहाँ पे कल खाना स्किप किया था, क्योंकि कल कमाऊनी खाना खाने का हमारा मन था और यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो कल हम अनुपम रेस्टोरेंट चले गए थे। आज हम यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ कुछ सिंपल सा खाने का प्लान है। आज दिन भर बहुत हैक्टिक था, तो हमने ऑर्डर किया है गोभी मटर, साथ में है दाल तड़का, पनीर, 2 प्याज़ा, साथ में रोटी है तवा रोटी और गार्लिक नान। तो चलिए देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है। पनीर 2 प्याज़ा सबसे पहले हम ट्राई कर रहे हैं। प्याज का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इसमें। आलू गोभी बिल्कुल घर में जैसे प्रिपेयर होती है, बहुत डिसेंट टेस्ट है।
अगर आपको घर जैसा और एक डिलीशियस खाना खाना है तो आप अगर नैनीताल में हैं तो नेगी रेस्टोरेंट में आप डेफिनेटली चांस ले सकते हैं। पूरा ख़त्म करने के बाद आपसे मिलते हैं, लास्ट में हम कुछ स्वीट डेजर्ट ट्राई करने वाले हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जिनका टेस्ट पहली दूसरी तीसरी बाइट में समझ नहीं आता, धीरे धीरे जब आप फिनिश करते हैं तो आपको एक्चुअल समझ में आता है। अभी हमने रियलाइज़ किया कि जब से हम ट्रिप में हैं ये अब तक का सबसे डिलीशियस सबसे टेस्टी खाना है मेन कोर्स जो हम खा रहे हैं। स्पेशली पनीर दो प्याज़ा और जीरा राइस का कॉम्बिनेशन बहुत अल्टीमेट है। आप देख सकते हैं लगभग सारी चीज़ें हमारी फिनिश हो गई हैं, बहुत ज़बरदस्त। फ्रेंड्स, यहाँ की रबड़ी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, बहुत ठंडी है, बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, बहुत डिलीशियस है। बचपन में दादी जैसे मिट्टी के बर्तन में गर्म कर करके जो बनाती थी ना, वैसे रिब का फ्लेवर आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया इससे, टेम्पटिंग और बहुत ऑसम है। तो इसी के साथ हमारा डे टू ख़त्म होता है और हमारा ये एपिसोड भी। तीसरे दिन की जर्नी में हम जाने वाले हैं कुछ विश्व प्रसिद्ध जगह जैसे माता नैना देवी के मंदिर, बाबा नीम करौली धाम और भी बहुत कुछ। तो अगला एपिसोड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। मिलते हैं बहुत जल्द नैनीताल की इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए और हमारे लास्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कारम।